बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी, जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। हम 5+ धनक कायदा पढ़ रहे हैं। सीन और शीन से नए अल्फाज कैसे बना सकते हैं और उनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये सीखेंगे। साथ ही साथ हम सीखेंगे सीन और शीन की छोटी शक्ल कैसे लिखी जा सकती है और उसको जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलो यहाँ चलते हैं अपने सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ, ज़रा पहचानें और बताएं ये किसकी तस्वीर है। जी ये क्या है? ये सेब है। और ये क्या है? जी ये सूरज है। ये कौन है भाई? ये शेर है। और ये क्या है? ये शलजम है। अच्छा ज़रा मुझे देख के बताओ, सेब, सूरज, शेर, शलजम कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? जी ये लिखा हुआ है सेब, ये लिखा हुआ है सूरज, और ये शेर, और ये शलजम। अच्छा, इन अल्फाज के नीचे ही इनके हिज्जे दिए गए हैं, ज़रा देख के बताओ क्या ये हिज्जे मुकम्मल हैं? नहीं। तो इसमें कौन से हरूफ तहज्जी नहीं लिखे हुए? हम जल्दी जल्दी से इनको मुकम्मल करते हैं और साथ में हम पढ़ते हैं कि कौन से हरूफ नहीं लिखे हुए। जी सेब के शुरू में सीन नहीं लिखा हुआ। जी जी सीन की आवाज़ है, आपको तो सब पता है। सूरज, जी यहाँ भी सीन नहीं लिखा हुआ। शेर, यहाँ पर शीन नहीं लिखा हुआ। शलजम, जी यहाँ पर शीन नहीं लिखा हुआ। जी अच्छा, अब आपने इसको मुकम्मल कर लिया, अब हम इसको जोड़ के पढ़ते हैं। सेब, सूरज, शेर, शलजम, वेरी गुड। अच्छा आपको पता है हम कुछ और आवाज़ें अगर सीन और शीन के साथ मिलाते जाएंगे तो नए अल्फाज बनेंगे। तो चले आए हम इन अल्फाज को लिखते हैं, ठीक है? पहले हम इनको पढ़ेंगे फिर हम इनको लिखना सीखेंगे, ठीक है? ये बताओ ये क्या है? अ सा, च सच, न सुन, वेरी गुड। श आ श, शा श आ शा, श र शर, श ल शल। अगर हम इसके ऊपर पेस्ट डाल दें शीन के ऊपर तो ये बन जाएगा शुल, और अगर हम शीन के नीचे जेड डाल दें तो बन जाएगा शिल, ठीक है? जी वेरी गुड। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि आपको इसी तरह से अगर मैं कुछ और अल्फाज दूँ तो आप उसकी आवाज़ें पढ़ना सीख जाएंगे? चले अब हम इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं। डियर टीचर, इसके अलावा आप बच्चों को इमला भी करवाएंगे। वो किस तरह से करवाएंगे? आप बच्चों को पहले ये अल्फाज पढ़ना सिखाएंगे और फिर आप बच्चों से इनकी आवाज़ों की मदद से इमला करवाएंगे, ठीक है? अब हम कुछ मज़ीद अल्फाज पढ़ते हैं और फिर हम इनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि है साल, सैर, साइकिल, एक साल पर बाग की सैर कर, साइकिल चला। वेरी गुड। शहद, शरबत, शाम, मीठा शहद ला, शरबत पी, शाम को घर जा। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, आपने ज़रा इस पेज के ऊपर गौर किया, इसकी जो शक्ल है वो तकरीबन एक जैसी है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। इसी तरह इसकी छोटी अशकाल भी होती हैं। तो चले आएँ इसकी छोटी अशकाल लिखना सीख। बोर्ड के ऊपर एक नुक्ता लगाएं, ऊपर से नीचे की तरफ दो खम बनाते हुए हम एक पेट बना देंगे, ये सीन की पूरी शक्ल हो जाएगी। अगर हम इसी के ऊपर तीन नुक्ते लगा देंगे तो ये शीन की पूरी शक्ल है। हम इसका पेट मिटा देंगे तो दो इस तरह की खम आएंगी
और छोटा सा हल्का सा आगे से मोल्ड करेंगे। ये हमारे पास सीन की छोटी शक्ल आ गई। अब हम इसके ऊपर ही तीन नुक्ते लगा देंगे तो ये शीन की छोटी शक्ल है। ये हरूफ के दरमियान में या शुरू में आती है। जब हम किसी भी लफ्ज़ को मिला के पढ़ते हैं तो शीन की हमेशा छोटी शक्ल आती है, जो दरमियान में भी हो सकती है या शुरू में हो सकती है। इस तरह नए अल्फाज बनते हैं, जुमलों में भी हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। डियर टीचर्स, आपने इसके साथ ही जावेद पब्लिशर्स की तरफ से मुहैया करदा वर्कबुक का इस्तेमाल करना है और बच्चे को सीन और शीन लिखना भी सिखाना है, उसकी छोटी शक्ल भी मुतारफ करवानी है और लिखना सिखाना है। इससे बच्चा सीन और शीन को बेहतर तरीके से लिखने के काबिल हो जाएगा। आपने कुछ काम क्लास में करवाना है और कुछ होमवर्क के लिए दे देना है। इस तरह से बच्चा बेहतर तरीके से सीन और शीन लिख सकेगा। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहे बोलती किताबों के साथ।